वेलकम स्टूडेंट। पिछले बहुत सारा क्लास में हम लोग अलग अलग चीज के बारे में देखे थे। आज हम लोग देखेंगे कि डीसी पावर सप्लाई का यूज क्या होता है। ये जो मशीन होता है इसको हम बोलते हैं डीसी पावर सप्लाई। अब ये कौन सा पर्पस में यूज होता है? ये होता है वन टाइप ऑफ वोल्टेज सप्लाई। तो जैसे लैपटॉप हम लोग यूज करते हैं, तो लैपटॉप को पावर ऑन करने के लिए हम लोग एडाप्टर यूज करते हैं, लेकिन अलग अलग लैपटॉप का ऑपरेटिंग वोल्टेज सेपरेट होता है। तो अगर डिफरेंट टाइप का एडाप्टर हम लोग यूज करेंगे तो हम चेक कर सकते हैं, लेकिन कितने टाइप का एडाप्टर एक आदमी रख सकता है। तो उस केस में अगर हमारे पास कोई ऐसा पावर सप्लाई हो जिसमें हम एडजस्ट कर सकते हैं उसका वोल्टेज को, तो वो सबसे बेटर होता है। तो ये जो डिवाइस है इसका नाम है डीसी पावर सप्लाई। ये लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप के लिए भी आप चाहे तो इसको यूज कर सकते हैं। अलग अलग टाइप का एडाप्टर होता है, उसका वोल्टेज अलग होता है। उसके बदले में हम अगर ये यूज करेंगे तो जो चाहे लैपटॉप आ जाए हम उसको ऑन कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो मीटर है इसको वोल्टेज बोलते हैं और यहाँ पे होता है एम्पेयर। यहाँ पे दो बटन दिया हुआ है, एक होता है वोल्टेज को एडजस्ट करने के लिए और ये होता है थोड़ा सा एम्पेयर को एडजस्ट करने के लिए। और इसके साथ ये केबल आता है, ये रेड वाला जो केबल होता है ये यहाँ पे लगाया जाता है और ये ब्लैक वाला नेगेटिव होता है ये यहाँ पे लगता है। तो इसका काम क्या होता है ना, ये पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई को आउटपुट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो हमारे पास जो भी लैपटॉप आए हम उसको अगर ऑन करना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे पास दो ऑप्शन रहता है। एक हम एडाप्टर का जो जैक होता है उस जगह पे इसको पावर सप्लाई इनपुट कर सकते हैं। अगर ये मान लीजिए 19 वोल्ट का है एडाप्टर तो हम यहाँ पे 19 एडजस्ट करेंगे। आप चाहे देख सकते हैं यहाँ पे जैसे मैंने 19 दिया, अगर हमारा 19 वोल्ट के जगह पे 19.5 आता है तो हम वो भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। 20 होगा तो 20, 22 होगा तो 22, तो जितना भी वोल्टेज हमको चाहिए हम यहाँ पे एडजस्ट करके उसको सप्लाई कर सकते हैं। तो एडाप्टर की जगह पे ये जो पॉजिटिव का पिन होगा उसको आइडेंटिफाई करके वहाँ पे हमको सप्लाई इनपुट करना होगा ये रेड वाला, और नेगेटिव जो है नेगेटिव पिन उसमें ये ब्लैक कनेक्ट करना होगा। दूसरा ऑप्शन होता है हम चाहे तो बैटरी का कनेक्टर में भी उसको लगा सकते हैं। तो इसका मेन पर्पस क्या होता है ना, एक तो मैंने बोला कि जैसे अलग अलग वोल्टेज हम इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे जो एम्पेयर का चीज, एम्पेयर का जो मीटर होता है तो उसमें हम लोग एम्पेयर देख के बहुत सारा चीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे अभी एम्पेयर 0 है, अगर मैं इसका पॉजिटिव और नेगेटिव को एक बार शॉर्ट करता हूँ तो देखिए क्या होता है, इसका जो 22 वोल्ट था वो अचानक से डाउन होकर 6.3 वोल्ट में आ रहा है और इसका जो एम्पेयर अभी 0 है वो 3-4 एम्पेयर के आसपास चला जा रहा है। तो इसमें क्या समझ में आता है ना, इससे ये समझ में आता है कि हमारा बोर्ड में कोई शॉर्ट सर्किट होता है। जैसे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये पॉजिटिव और नेगेटिव को टच कर रहा हूँ तो इसमें शॉर्ट सर्किट हो रहा है। तो ये शॉर्ट सर्किट को आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करता है। जैसे कि हमारा बोर्ड में कोई शॉर्टेज है तो हम इससे अगर सप्लाई करेंगे तो उसका एम्पेयर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा और वोल्टेज डाउन हो जाएगा। तो इससे हमको समझ में आएगा कि यहाँ पे कुछ शॉर्टेज है जिसमें 19 वोल्टेज डायरेक्ट शॉर्ट हो रहा है। और इसका एम्पेयर अगर धीरे से ऊपर जाता है तो इसका मतलब वो ठीक है, अगर एम्पेयर एकदम नहीं ले रहा है मतलब वो लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है। ये अलग अलग डिवाइस का चेकिंग यहाँ पे इजी होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, बैटरी कनेक्टर में इसको अप्लाई करेंगे। तो बैटरी कनेक्टर में हमको बैटरी के हिसाब से वोल्टेज एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे आपको शायद पता होगा कि एक लैपटॉप का बैटरी जो होता है वो जनरली 10 या 12 वोल्ट का होता है, तो हम यहाँ पे चलिए उसका मिडिल में ही रखते हैं 11 वोल्ट। तो हमने यहाँ पे 11.5 फिक्स कर दिया। उसके बाद ये जो पॉजिटिव होगा ये बैटरी का पॉजिटिव पिन में, तो हम पहले एक बार देख लेंगे कि इसमें पॉजिटिव पिन कौन सा है। तो उसके लिए जैसे करना पड़ता है कि ग्राउंड के साथ उसका ये नेगेटिव को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो अगर ये नेगेटिव पिन है ये दोनों, तो उल्टा साइड में दोनों होगा पॉजिटिव। तो हम ये पॉजिटिव को इसका पॉजिटिव में कनेक्ट कर देंगे और नेगेटिव को नेगेटिव में। तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई कर दिए, एम्पेयर अभी भी 0 है और यहाँ पे हम लोग मल्टीमीटर को वोल्टेज का रेंज में रख के चलिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि वोल्टेज अप्लाई हुआ कि नहीं।
देखिए मैं बोर्ड में वोल्टेज चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे वही सेम वोल्टेज 11.5 वोल्ट आ रहा है, तो यहाँ पे 11.5 वोल्ट हमारा मिल रहा है। जो वोल्टेज हमने यहाँ पे सेट किया था, बाकी कोई भी जगह पे अभी वोल्टेज जनरेट नहीं हो रहा है। अभी ये जिस हिसाब से काम कर रहा है, जैसे हमारा बैटरी के जस्ट यूज जैसे होता है, बैटरी से डिस्चार्ज होता है, वैसे ही हम इसको यूज किया है। तो अगर हमको इसको ऑन करना है तो हमको इसका पावर बटन में वोल्टेज चेक कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे देखिए 3.3 आ रहा है, तो ये 3.2 वोल्ट जो आ रहा है ये पावर बटन का वोल्टेज है, जो हमने यहाँ पे एडाप्टर का सप्लाई या बैटरी के जगह पे इनपुट किया है वोल्टेज, तो उसका अंदर में सर्किट काम कर रहा है, फिर उसके बाद जाके यहाँ पे हमको 3.3 वोल्ट का सप्लाई मिल रहा है। तो हमको अगर इसको ऑन करना है तो ये पावर बटन को शॉर्ट करने से देखिए यहाँ पे ऑन हो गया और यहाँ पे एम्पेयर भी इंक्रीज हो गया, फिर उसके बाद डाउन हो गया, मतलब ये फिर से ऑफ हो गया। तो देखिए अभी ये स्टे कर रहा है, मतलब अभी ये लैपटॉप ऑन हो गया। तो चलिए हम एक बार वोल्टेज चेक करके देख लेते हैं। देखिए अभी यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है, अब यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे भी 3.3 आ रहा है, यहाँ पे भी 5 वोल्ट मिल रहा है। तो ये जो कंडीशन होता है कि अभी एम्पेयर यहाँ पे ले रहा है 0.3, 0.28 ऐसे एम्पेयर आ रहा है, मतलब ये लैपटॉप अभी रन कंडीशन में है, रनिंग कंडीशन में। अगर यहाँ पे कोई शॉर्टेज होता है तो वो वोल्टेज बहुत ज़्यादा, एम्पेयर जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो इस केस में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो बोर्ड में कोई फॉल्ट है, मतलब शॉर्टेज है। तो अगर मान लीजिए ये लैपटॉप में है, पावर बटन को शॉर्ट करता हो, करने के बाद भी इसको एम्पेयर कोई हाई नहीं होता है, एकदम जीरो ही रह जाता है, मतलब ये लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है या फिर इसमें कोई प्रॉब्लम है। जैसे अभी मैं रैम वैम लगा के एकदम चेक किया तो इसका एम्पेयर इतना आता है, 2.8 आ रहा है अभी। तो चलिए मैं इसको थोड़ा ऑफ किया, अभी एक बार रैम ओपन कर दिया, फिर से इनपुट किया, तो अभी इसको फिर से मैंने ऑन कर दिया। देखिए अभी भी वोल्टेज जनरेट हो रहा है, लेकिन एम्पेयर में थोड़ा सा 0.0102 ऐसे एम्पेयर कम हो गया, मतलब अभी इसमें रैम नहीं है, थोड़ा सा लोड कम हुआ, इसके हिसाब से उसका एम्पेयर थोड़ा सा डाउन हुआ है। और अगर हम मान लीजिए इसको यहाँ पे ना यूज़ करके, बैटरी के जगह पे ना करके एडाप्टर के जगह पे यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या होगा ना, वोल्टेज को हमको इंक्रीज करना पड़ेगा, जैसे कि हमारा एडाप्टर होता है 19 वोल्ट 20 वोल्ट, तो उस हिसाब से हमको इसको एडजस्ट कर देना होगा। तो इसको थोड़ा सा हाई करना पड़ेगा, चलिए मैं यहाँ पे 19 फिक्स करता हूँ। तो 19 करने के बाद वही फिर सेम प्रोसेस, पॉजिटिव में ये रेड और नेगेटिव में ब्लैक रखने के बाद हम जब उसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे एम्पेयर लेगा। लेकिन अगर हम विदाउट बैटरी चेक करते हैं तो उसका एम्पेयर वही 0.3 एम्पेयर ऐसे आएगा। लेकिन अगर हम बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे और यहाँ से डीसी पावर सप्लाई से उसका सप्लाई इनपुट करते हैं, तो उस केस में क्या होगा ना, बैटरी अगर चार्ज लेता है तो उसका एम्पेयर थोड़ा सा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे 0.283 आ रहा था तो उससे ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 0.56 ऐसे आ सकता है। तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि बैटरी चार्जिंग ले रहा है। तो ये है इसका मेन पर्पस। तो अलग अलग जगह पे हम चाहे तो इसमें से वोल्टेज सप्लाई करके उसको इनपुट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये जो कॉयल है, यहाँ से 1.8 वोल्ट जनरेट होता है, 0.9 यहाँ से 1.8 जनरेट होता है, तो हम चाहे तो यहाँ पे 1.8 वोल्ट एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको डाउट लगता है कि उस सेक्शन में शॉर्टेज है या फिर उसका आउटपुट शॉर्ट है, तो हम इससे भी वो चेक कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे 1.8 फिक्स कर दिए, फिर मान लीजिए ये कॉइल को हम उठा देते हैं, फिर नेगेटिव में और रेड वाला सप्लाई यहाँ पे अगर इनपुट करेंगे तो इसके आगे का जो पोर्शन है उसमें वो वोल्टेज अप्लाई हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा ना, अगर ये सेक्शन सही है तो हमारा यहाँ पे ये वोल्टेज बना रहेगा और थोड़ा सा एम्पेयर लेगा। लेकिन अगर ये सेक्शन के आसपास में या फिर उसके आगे में कोई शॉर्टेज है, तो उसमें क्या होगा,
वही सेम कंडीशन होगा जो मैंने दिखाया था कि आपका वोल्टेज में थोड़ा सा इफेक्ट होगा और एम्पियर ज़्यादा हो जाएगा। तो ये होता है इसका यूज़। तो ऐसे हम अलग अलग जगह पे अलग अलग सर्किट को भी चेक कर सकते हैं। और डेस्कटॉप या लैपटॉप में ये ज़्यादा यूज़ होता है। लैपटॉप में तो वन टाइप से ये मैंडेटरी है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो आप एडाप्टर से ज़्यादा चेक नहीं कर सकते। क्योंकि मान लीजिए एक एडाप्टर ख़राब होता है तो उस केस में आप क्या करेंगे, या फिर आपके पास कितना सारा एडाप्टर हम लोग रख सकते हैं, क्योंकि अलग अलग बोर्ड होता है। कोई होता है 16 वोल्ट में ऑपरेट होता है, कोई 17, कोई 19, कोई 22। तो अगर ये पावर सप्लाई हमारे पास होता है तो हम अलग अलग वोल्टेज को एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये एम्पियर देख के भी हम लोग उसका बहुत सारा फॉल्ट या फिर बोर्ड का कंडीशन क्या है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग कुछ दूसरा चीज़ देखेंगे। थैंक यू।